नमस्कार दोस्तों, पवन क्रिएटिव डिजाइन में आपका स्वागत है। तो आज का ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे रोटेशन के बारे में, फोटोशॉप में रोटेशन कैसे करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, फोटोशॉप में रोटेशन करना, इसमें पूरी तरीके से टूल्स का यूज होता है और इसके थ्रू हम लोग कई सारे अच्छे लोगो और जो भी रोटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो चीज़ बना सकते हैं। तो सीखते हैं। तो सबसे पहले एक A4 साइज का डॉक्यूमेंट लिया और उसमें कुछ ड्रॉ किया जाएगा। तो एक लेयर में मैंने एक स्फीयर से एक शेप बनाया। उसके बाद यहाँ कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर दिख रहा होगा, तो इस सेंटर को पहले शिफ्ट किया जाएगा जिस भी जगह से उसे रोटेट करना है। तो इसे मैं रोटेट करने के लिए ड्रैग करूँगा शिफ्ट के साथ ताकि स्ट्रेट जाए और यहाँ छोड़ दूँगा। तो ये हमारा सेंटर होगा और सेंटर को एंगल देना होगा किस एंगल में ये रोटेट हो। तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है और हमें कितने कॉपीज लेने उतने कॉपी से इसको डिवाइड करना होगा। तो जैसे हमें 12 कॉपी लेने हैं तो एंगल होगा 30 डिग्री, 360 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमें 30 डिग्री पुट करना होगा और दो बार इंटर प्रेस करना होगा। इसके बाद हमें शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टी, ये चार की, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, चार की दबाएंगे तब ये कॉपी होता जाएगा उसी एंगल पे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टी। तो जैसे कि आपने देखा कि कोई भी मैंने एक सेंटर डिफाइन करके एंगल प्रॉपर एंगल देकर मैं और इसे मैं ये रोटेट कर पा रहा हूँ। तो ये है फोटोशॉप में रोटेशन करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसके लिए सबसे मेन है कि आपको जितने भी कॉपीज चाहिए उनको 360 से डिवाइड करना होगा। तो फिर से अगर कुछ यहाँ बना जाए तो मैं यहाँ पे एक इलिप्टिकल मार्किंग टूल से एक इलिप्स लिया और इस बार कॉपी मुझे चाहिए 8। तो 8 कॉपी चाहिए तो आपको सिंपल 360 डिवाइडेड बाय 8 करना है। तो एंगल आया 45 डिग्री। तो एक न्यू लेयर को फिर से बनाया और फिर से इसे कंट्रोल डी और शिफ्ट के साथ सीधा और बिल्कुल यहाँ पे इसका सेंटर रखा, एंगल 45, इंटर इंटर कंट्रोलर शिफ्ट टी टी। तो आपने देखा कि ये बहुत इजी तरीके से चीज़ बन सकता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपके लिए रोटेशन बहुत आसान सी चीज़ होगी, नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल वाली चीज़ बनेगी। तो एग्जांपल के लिए मैं इसमें कुछ, ये एक वॉच है, वॉच में बना के दिखाऊंगा। अब ये वॉच में बहुत सारे चीज़ें हैं और सारे चीज़ रोटेट होते हुए बन रही है। तो सबसे पहले जो घंटे वाली लाइन है वो बन रही है, एक लाइन बन गया और इसे अल्ट के साथ खींचे तो कॉपी होगी, दो अल्ट और शिफ्ट। और ये दो लेयर अलग अलग है तो कंट्रोल ई मर्ज कर दिया गया, कंट्रोल टी। तो दिख रहा है कि सेंटर अपने आप बीचों बीच आ रहा है। तो वापस से एंगल में चलेंगे तो एंगल यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, इंटर इंटर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। ये पहला चीज़ बन के तैयार। अब इन सबको कंट्रोल ई मर्ज कर दिया गया। तो ये 1 से लेकर 12 जो आपको ये दिख रहे हैं मोटे मोटे लाइन, ये बन गई है। अब हमें मिनट के लिए लाइन बनाने हैं। तो उसके लिए हमें यूज करना है लाइन टूल, क्योंकि मिनट बहुत पतली लाइन बनेगी। मैंने एक लाइन बनाया और उसी तरीके से इसको भी अल्ट के साथ कॉपी और ड्रैग। और अब इस लेयर को थोड़ा देर के लिए ऑफ करता हूँ, ये सेलेक्ट कंट्रोल टी और इसे भी रोटेट करना है। तो इस बार एंगल हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60 यानी 6 डिग्री।
कंट्रोल अल शिफ्ट टी टी, ये देखिए देखने वाली बात है कि ये लेयर नहीं बन रहा है क्योंकि ये अभी लाइन है, लाइन का कोई लेयर नहीं होता है। तो फिर से एक न्यू लेयर लिए इसके लिए और सबको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्ट्रोक पाथ क्या होता है। अगर आपको स्ट्रोक पाथ का बारे में पता नहीं है तो आप पिछला ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक पाथ ही करने जा रहा हूँ। तो स्ट्रोक पाथ के लिए ब्रश लिया जाता है, ब्रश पे सब कुछ 100, हार्डनेस 100, फ्लो 100, ओपेसिटी 100। इसके बाद ब्रश का साइज डिफाइन किया जाएगा, तो ब्रश का साइज भी डिफाइन हो गया और ब्रश का कलर। सब कुछ डिफाइन होने के बाद लेयर सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक स्ट्रोक पाथ, ओके एंटर। तो ये चीज आ गया है, लेकिन और थोड़ा मुझे पतला करना है। तो अंडू करके ब्रश के साइज को और कम करता हूँ। अब लाइन और पतली होके आएगी। फिर से पाथ सिलेक्शन टूल से सारे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक स्ट्रोक पाथ, ओके एंटर। ये बन चुका है, दोनों को ऑन करते हैं और दोनों को एक बार सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि अलाइनमेंट सही हो जाए। ऑलरेडी सेंटर अलाइन है, तो मेरा ये वाला काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमें नंबर्स लिखने हैं, तो नंबर लिखने के लिए भी हमें टेक्स्ट टूल का यूज करना है, लेकिन रोटेट करते हुए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दे और मैनुअल पुट करना, मैनुअल पुट नहीं करना, यहाँ भी इसी का यूज करना है। तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया, और इसमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैंने 12 लिखा तो ये सब सेंटर अलाइन ही होना चाहिए, यहाँ पर ये सेंटर अलाइन होना चाहिए तो ही ये रोटेशन सही से होगा। और इस पर पुट करने के बाद कंट्रोल टी और इसका सेंटर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। दोस्तों पहले इसे सेंटर शिफ्ट करने से पहले मुझे एक सेंटर देखना होगा, यहाँ पर सेंटर मुझे पता नहीं चल रहा। तो एक न्यू लेयर लेकर एक छोटा सा सर्कल बनाकर इसे सेंटर कर लेंगे, तो जिससे कि मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेंटर है कहाँ। सबको सेलेक्ट करके सेंटर, फिर से अलाइन। अब मैं इसे यहाँ रखूंगा, अब इसे फिर से कंट्रोल टी सेंटर में इसको शिफ्ट। इसके बाद हमें वापस से एंगल देना है 30 डिग्री और कॉपी 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 कॉपी। अब सब में 12 है, जैसा कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है यानी टेक्स्ट चेंज हो सकता है, तो चेंज करते हैं। ये हो गया 12, 11, 10। तो देखिए कि अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो कितना आसान है इसे बनाना, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और ये नंबर का भी काम हो गया। अब नंबर काम होने के बाद मुझे इसका प्लेसमेंट देखना है, ये जिस तरीके से रखा गया है, तो 1, तो ये भी बहुत आसान है। कंट्रोल टी करेंगे और शिफ्ट के साथ घुमाएंगे ताकि 45 डिग्री के रोटेशन से चलता है। इसको भी कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ, याद रखना शिफ्ट का यूज जरूर करना है, नहीं तो ये एग्जैक्ट नहीं मैच होगा। और इन सबको फिर से अलाइन कर देंगे क्योंकि सारे सर्कल ही हैं, तो
नंबर को पहले हमारे जितने भी नंबर है उन्हें मर्ज करना पड़ेगा, कंट्रोल ई। अब अलाइन कर सकते हैं सबको सेंटर, ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब हमें इसके लिए इसकी सुई बनानी है, तो लाइन पे यूज करेंगे ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ बने। पेन टूल पे आएंगे और सबसे पहले मैं ये मिनट का सुई बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक तरफ से ये लाइन बनाया और अल्ट के साथ इसे कॉपी करके कंट्रोल टी और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इसको इस तरह से इसके कांटे को बना दिया। थोड़ा सा पतला कर सकते हैं दोनों साइड से, एक बन गया। तो कंट्रोल जे कॉपी, कंट्रोल टी और इसे थोड़ा सा छोटा करके और इसका सेंटर को यहां रख के अल्ट के साथ खींच रहा हूँ सेंटर। अगर आपका सेंटर मूव ना हो तो अल्ट के साथ भी मूव कर सकते हैं। ये बन गया दूसरा सुई घंटे के लिए, और एक और मुझे बनाना है सेकंड के लिए। तो मैं यूज करूँगा रेक्टेंगल, ये दोनों लाइन को भी अलाइन कर लेंगे सेंटर पे। याद रखिए अगर सेंटर आपका टच ना हो तो अल्ट के साथ मूव करते हैं। तो ये भी तो यहां पे मैंने इसके कांटे को ही बना लिया। अब इसके डायल को बनाने के लिए एक सर्कल के बाद उसको एक और कॉपी कंट्रोल जे तो देखो मैंने ये वॉच लगभग तैयार कर लिया और इसमें हमने सब कुछ सबसे बेसिक चीज यूज किया रोटेशन का। तो अगर आपको रोटेशन का प्रॉपर नॉलेज है तो आपको ये बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप इसे मैनुअल तरीके से बनाना चाहोगे तो कभी नहीं बनेगा। तो अगर आपको कहीं आप इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं इसका आपको आंसर भी दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसके बाद मैं अगला ट्यूटोरियल बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो तब तक के आप इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो।